नमस्कार, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। इस एपिसोड में हम ऑर्गेनिक फूड के बाबत में जानकारी देने वाले हैं। हेल्थ का सीधा संबंध है डाइट से। हेल्थी रहने के लिए लोग अभी तेजी से ऑर्गेनिक फूड अपना रहे हैं। इससे सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऑर्गेनिक फूड के तमाम पहलुओं के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड में फूड आइटम्स होते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं, इसे ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। इनमें किसी तरह के पेस्टिसाइड या रासायन खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। इन फल और सब्जियों में की उपज के दौरान उसका आकार बढ़ने या वक्त पहले पकाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनमें जैविक खाद, जैविक खेती भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फार्म में उगाए जाते हैं। वैसे आम फूड आइटम्स और ऑर्गेनिक आइटम्स फूड के बीच में फर्क पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रंग आकार में एक ही जैसे दिखते हैं। इसकी पहचान थोड़ी मुश्किल है। बाजार में मिलने वाले तमाम तरह के फल और सब्जियां उपलब्ध हैं जो देखने में कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फूड आइटम सर्टिफाइड होते हैं या छपे होते हैं। इनके ऊपर सर्टिफाइड स्टिकर लगे होते हैं या छपे होते हैं। इसका स्वाद भी नॉर्मल फूड से थोड़ा अलग होता है। ऑर्गेनिक मसालों की गंध नॉर्मल मसालों की तुलना में तेज होती है। इसकी सुगंध की तेज अलग ही होती है जो हम नॉर्मल फूड से खाना खाते हैं। इस तरह ऑर्गेनिक सब्जियां गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेती, जल्दी पक जाती है। इसकी अलग खासियत भी होती है। ऑर्गेनिक फूड आम तौर पे जहरीले तत्व नहीं होते, क्योंकि इनमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, प्रिजर्वेटिव जो प्रिवेंशन के लिए होता है, वो जैसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आम फूड में पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर पेस्टिसाइड में ऑर्गेनो फॉस्फोरस जैसी केमिकल होती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पारंपरिक फूड के मुकाबले ऑर्गेनिक फूड आइटम में 10 से 50 फीसदी तक का अधिक पौष्टिक तत्व होता है। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन भी ज़्यादा होते हैं। इनमें मौजूद न्यूट्रिशन दिल की बीमारी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म्स ऑर्गेनिक खेत में उपजाए जाने वाले फलों सब्जियों में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड नहीं होते, इसलिए पोषक तत्व बरकरार रहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं। ये शरीर की प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और स्किन में निखार लाने में मदद करता है। ये शरीर में चर्बी नहीं बढ़ने देते। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेस करते वक्त सैचुरेट फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनमें मोटापा नहीं बढ़ता। ये सुरक्षित भी लंबे समय तक रहते हैं। ऑर्गेनिक फूड में आम तरीके से उगाई जाने वाली फसलें के मुकाबले ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी में उगाया जाता है। जो मिट्टी उपजाऊ होती है और उसमें कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले 2 साल तक इस ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है, ताकि मिट्टी में पहले पेस्टिसाइड का असर पूरी तरह ख़त्म हो सके। इस वजह से उत्पादनों में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। बस अभी इतना तक। अगले एपिसोड में हम ऑर्गेनिक की और बात करेंगे। और अगले एपिसोड को जानने के लिए आप इस लाल बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।
नमस्कार, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। इस एपिसोड में हम